हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू भारद्वाज वेड्स। आई एम दीपक भारद्वाज एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर सीटेट पेपर टू। दिस इज साइंस सेशन। यूनिट टू कंप्लीट हो गई है हमारी एंड यूनिट टू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले 2016 के पेपर में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट 2016 के पेपर में, फैब 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ है। तो देखिए थ्री पार्ट्स हैं इसके। अ टीचर ऑफ क्लास 8th डेमोन्स्ट्रेट द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लास। द टीचर टेक्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इन अ स्पून एंड बर्न्स इट। शी देन पुट्स द स्पून इनटू अ टम्बलर विद अ लिड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड डज नॉट एस्केप। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स शी एड वाटर टू द टम्बलर। तो क्वेश्चन पूछे हैं, ये आपको समझ में आ गया, सल्फर को, सल्फर पाउडर जो है उसको बर्न किया गया है, ठीक है। बर्न करने पर गैस प्रोड्यूस होगी, लाइक SO2 प्रोड्यूस होगी। तो SO2 को टम्बलर से कलेक्ट कर लिया गया है ताकि वो एटमोसफियर में उड़ ना जाए एक तरह से, ठीक है। तो उसे कलेक्ट कर लिया गया है। अब इसके बाद वाटर ऐड कर दिया गया है टम्बलर में। सो देखिए क्या होगा आगे। क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है व्हाट हैपन्स इफ़ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर आर पुट इनटू द टम्बलर। कि अगर ब्लू और रेड लिटमस पेपर को टम्बलर में रखेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले लिटमस पेपर क्या बताता है, एसिडिटी और बेसिसिटी बताता है, ओके, है ना, एक तो इंडिकेटर होता है। सो सल्फर के बर्निंग से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, SO2। सल्फर कैसा है, एक नॉन मेटल है, और हमने पढ़ा है कि नॉन मेटल्स आर एसिडिक, मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक नेचर की होती हैं। तो SO2 कैसी है, एक एसिडिक नेचर की है, ओके। तो इस केस में क्या होगा, जो ब्लू लिटमस है, ब्लू लिटमस पेपर है, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में रेड कलर में चेंज हो जाते हैं, और जो रेड कलर है वो ऑलरेडी रेड ही रहेगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, सो आंसर नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा, ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ओके। बी पार्ट देखिए इसका 62 जो पूछा है। इन द अबव डेमोन्स्ट्रेटेड एक्टिविटी विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे तो सल्फर हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है, सल्फर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नहीं, सॉरी, ये सल्फर हाइड्रोक्साइड ना होके यहाँ पे, ठीक है, एसिड प्रोड्यूस होगी। तो एसिड कौन सी बनेगी, यहाँ पे ध्यान रखना है सल्फ्यूरिक एसिड नहीं फॉर्म होती, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होती है, जैसे सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड फॉर्म होती है। नेक्स्ट वन देखिए, विच प्रोसेस स्किल्स कैन बी प्रमोटेड थ्रू द अबव एक्टिविटी। की जो आपने एक्टिविटी की है तो कौन कौन सी स्किल डेवलप हो रही हैं स्टूडेंट के अंदर, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, ये आप पढ़िए फिर मैं आंसर बताता हूँ। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ वन होगा, ऑब्जर्वेशन हो रही है, बिकॉज टीचर करके दिखा रहे हैं, क्लासीफाई कर पा रहा है वो एसिड और बेस को, ठीक है, और इन्फेरेंस, इन्फेरेंस का मतलब है कि एक आउटकम, एक रिजल्ट निकाल पा रहा है, ठीक है। तो क्लियर है, दो थ्योरेटिकल क्वेश्चन और एक इसमें पेडागोजी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये देखिए प्लांट फाइबर जो थे उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। सपोज यू आर फार्मर लिविंग एट अ प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल। इफ़ द क्लाइमेट ऑफ योर रीजन इज़ वार्म एंड यू वॉन्ट टू ग्रो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स इन योर फील्ड्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रेफर। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल के लिए हमने कौन सी प्रेफर की थी, जब मैंने कॉटन आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो उसने बताया था कि कॉटन कहाँ कहाँ पे उगाया जाता है, टू प्लेसेस बताए थे इंडिया के, ठीक है, और साथ में ब्लैक सॉइल इसके लिए मोस्ट प्रेफरेबल सॉइल मानी जाती है, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल NCERT में गिवन है, ठीक है, कि लाइन लिखी हुई है जिसके ब्लैक सॉइल प्रेफर करते हैं, तो वही क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कॉटन हो जाएगा। एसिड और बेस से अगेन एक क्वेश्चन है। तो देखिए, यू हैव थ्री टेस्ट ट्यूब्स XY and Z हाफ फिल्ड विद डिफरेंट सॉल्यूशंस, एज एक्स इज फिल्ड विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वाई इज फिल्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड जेड इज फिल्ड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑन एडिंग वन ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन टू ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशंस, यू वुड ऑब्जर्व द सॉल्यूशंस इन द टेस्ट ट्यूब एज। ऑप्शंस हैं हमारे पास, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार क्या है। एक्स जो दे रखा है वो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड क्या है, होता है सॉल्ट होता है, ओके। जो वाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेसिक इन नेचर है, और जो जेड में फील्ड है वो एसिडिक इन नेचर है,
ठीक है, तो फिनोफ्थैलिन क्या होता है, एक मैन मेड इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। तो ये किस तरह से शो करेगा कलर, देखिए सबसे पहले क्या है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट के साथ ही कलरलेस ही रहेगा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। फिर उसके बाद एसिड और बेस के साथ किस तरह से शो होगा, ठीक है, तो फिनोफ्थेलिन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एसिड के साथ ये कलरलेस हो जाता है, ठीक है, और बेस के साथ पिंक कलर देता है, ठीक है, सॉल्ट के साथ भी कलरलेस ही रहेगा, ठीक है। तो बेस के साथ एक तरह से कैसा दे देगा, ये वन ड्रॉप जैसे ही डालोगे सॉल्यूशन में, तो किसी भी बेस में, तो वो कम्प्लीटली पिंक कलर का हो जाएगा। सो आंसर टू हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एक्स में सॉल्ट है तो वो कलरलेस होगा, वाई जो कि बेसिक है वो पिंक कलर का हो जाएगा, और जेड जो कि एसिडिक है वो एसिडिक मतलब कलरलेस हो जाएगा। ओके, आगे है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग लिक्विड्स आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट वहीं उसी सॉल्यूशन में होगा जिसमें आयंस होंगे। तो विनेगर, विनेगर कैसी है, एसिडिक एसिड एसिड होती है, ठीक है, आयंस हैं। शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, शुगर जो है वो डिसॉल्वेबल है, आयनाइजेबल नहीं है। सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो आयनाइजेबल है, डिसॉल्वेबल भी है, डिस्टिल्ड वाटर में आयंस नहीं होते। सो बेस्ट आंसर क्या हो जाएंगे इसके, ए एंड सी, ठीक है, डी, डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्टिविटी कंडक्ट नहीं होती, ठीक है, क्वेश्चन भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का। सो आंसर क्या होंगे इसके, फोर्थ वन हो जाएगा, ए एंड सी। मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन है, इसके यूजेस मैंने सबके लिखवाए थे, मेटल्स के भी, नॉन मेटल्स के भी, एनसीईआरटी में जो दिए हुए थे, और इससे थोड़े अलग भी, तो वहीं से क्वेश्चन है एक, कि आयोडीन इन सब के एक साइड में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और दूसरी साइड में यूजेस लिखे हुए हैं। सो आयोडीन क्या होता है, टिंचर ऑफ आयोडीन जो होता है, एल्कोहल का सॉल्यूशन होता है आयोडीन एल्कोहल का, किस में यूज़ होता है, वो एज ए एंटीसेप्टिक ऑन वाउंड्स। मरकरी, मरकरी थर्मोमीटर्स में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है फूड पैकेजिंग में यूज़ होती है। और क्लोरीन यूज़ होता है वाटर प्योरिफिकेशन में, ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके बाद देखिए पॉलीमर से क्वेश्चन है, ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, बैकेलाइट और मेलामाइन के बारे में। तो बैकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही के ही दोनों कैसे होते हैं, ये थर्मो सेटिंग पॉलीमर होते हैं। डेट मीन्स एक बार अगर इनको बना दिया जाए तो ये वापस हम रीशेप नहीं दे सकते, ठीक है, रीमोल्डिंग नहीं किया जा सकता हीट करके या मेल्ट करके। सो आंसर हो जाएगा इसका डी, बैकेलाइट एंड मेलामाइन आर बोथ थर्मोसेटिंग पॉली प्लास्टिक। सो 2016 से यही क्वेश्चन से, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट 2015 या किसी और पेपर की तरफ। 2011 जून का पेपर है ये, बैकेलाइट इज़ यूज इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में इसलिए यूज़ करते हैं जो क्योंकि बैकलाइट कैसा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। दोनों लिखवाए थे कि बैकलाइट एक तो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और बैड कंडक्टर होता है हीट का भी, ठीक है। तो जो स्विचेस बनाए जाते हैं, ठीक है, वो सब किसके होते हैं, बैकलाइट के बनाए जाते हैं, और साथ में यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं वो भी बैकलाइट के बनाए जाते हैं, बिकॉज हीट का भी ये बैड कंडक्टर होता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड बेस से एक और क्वेश्चन, अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी, द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द मेडिसिन इज, ठीक है, हाइपर एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसके लिए लिखवाया था कि मैंने कि एंटेसिड्स लिए जाते हैं, तो मेनली जो मेन इंग्रेडिएंट होता है किसी भी एंटेसिड के, वो मोस्टली होते हैं मैग्नीशियम सॉल्ट्स या एल्यूमिनियम सॉल्ट्स, ठीक है। तो एल्यूमिनियम इसका ऑप्शन ए होगा या बी होगा, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट वन देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल से ही, द इनर सरफेस ऑफ फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक, बिकॉज जो जिंक होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है टिन से, फूड जो भी होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा, इसलिए जो भी कैंस वगैरह होते हैं वो टिन के बनाए जाते हैं, ना कि जिंक के, ठीक है। सो फोर्थ वन करेक्ट आंसर, फोर्थ वन नहीं, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, जिंक, एक सेकेंड, जिंक इज, ठीक है, सो ये करेक्ट है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। नेक्स्ट वन देखिए, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन
होता है एक्सरसाइज में, तो वो उसी की तरह पूछा गया है क्वेश्चन। ए मैन गोज डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ, ही प्रोमिसज टू ब्रिंग बैक द ग्लिटर ऑन डल गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एन अनएक्सपेक्टिंग वूमैन गिव्स अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम विच ही डिप इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द बैंगल्स स्पार्कल बट देयर वेट हैज़ कंसिडरेबली रिड्यूस। द सॉल्यूशन यूज बाय द इम्पोस्टर प्रोबेबली इज। तो सॉल्यूशन कौन सा होता है? एक्वा रेगिया का सॉल्यूशन होता है, जिसको रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं? अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड कंसनट्रेटेड HNO3। ठीक है, इसका रेशियो भी आपको पता होना चाहिए। जो कंसनट्रेटेड HCl होती है, ठीक है, उसके 3 मोल्स होते हैं और HNO3 के 1, सो 3:1 का होता है इनका। नेक्स्ट वन देखिए, ब्लीडिंग इज स्टॉप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एलम टू अ वाउंड बिकॉज। एलम एक एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, लेकिन मेनली यहाँ पे जो इसका रीज़न होगा वो होगा एलम कोगुलेट द ब्लड एंड फॉर्म्स अ क्लोट, क्लोटिंग वहाँ पे फॉर्म कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ब्राउनिश लेयर इज डिपोजिटेड ओवर द आयरन नेल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और डिस्प्लेसमेंट में से भी अगर बात करें तो यहाँ पर आयरन नेल, हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट ही है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगी। और रेडॉक्स रिएक्शन भी है, डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स रिएक्शन, फोर्थ वन हमारा आंसर होगा। बिकॉज आयरन नेल सिंपल Fe+CuSO4 इस तरह की है, ठीक है, सो Fe+SO4+Cu फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से ब्राउन कलर अपियर होता है। सो इट इज़ ओनली डिस्प्लेसमेंट प्लस रेडॉक्स, नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, एसिड बेस से एक और क्वेश्चन। वाइल डाइल्यूटिंग सल्फ्यूरिक एसिड इट इज़ रिकमेंडेड दैट द एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, नॉट द वाटर शुड बी एडेड टू एसिड। तो ऐसा इसलिए बोला जाता है कि एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, ठीक है, वो भी ड्रॉप वाइज और कंटिन्यूस शेकिंग के साथ, वैसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अगर हम इसके अपोजिट करेंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड विच कैन बर्न अ फेस। 2014 का पेपर है ये। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द सेल्सियस स्केल एंड फॉरनेट स्केल इज, सो सेल्सियस स्केल पे कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फॉरनेट स्केल पे कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 डिग्री फॉरनेट। सो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट वन देखिए, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर कौन से होंगे? एयर पुअर कंडक्टर होता है, वाटर गुड कंडक्टर है, प्लास्टिक पुअर कंडक्टर है। सो इसमें से आंसर हो जाएगा हमारा वाटर, कॉपर, वुड, एयर, एल्यूमिनियम, वूल, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। अच्छा, हीट की अगर बात करें, हाँ, सो फर्स्ट इसका बेस्ट आंसर रहेगा, ठीक है, बिकॉज इसमें कोई भी मेटल नहीं आ रहा है। मेटल जितने भी होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। तो दिस इज एयर, वाटर एंड प्लास्टिक, ठीक है, ठीक है। एक चैप्टर किया था हमने वेदर क्लाइमेट और उससे रिलेटेड ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है, हीट एंड टेम्परेचर में। सो सी ब्रिज, लैंड ब्रिज, तो उससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। द रीज़न ऑफ सी ब्रिज इज, तो सी ब्रिज कब होता है? जब ड्यूरिंग द डे हीट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लैंड का जो लैंड के ऊपर की जो एयर होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू एयर डेट अबाउट द सी। सो ऐसे में क्या होता है, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होगी, सो जो लैंड से एयर है वो सी की तरफ जाने लगती है। नॉर्मली प्रोसेस आफ्टरनून के टाइम पे देखने को मिलते हैं। सो इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द सी वाटर। सो बिल्कुल ऐसा ही होता है, लैंड जल्दी हीट होती है देन द सी वाटर से। द सी वाटर गेट्स हीटेड फास्टर एट नाइट लैंड, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। एसिड और बेस से एक और क्वेश्चन। यू हैव फिनोफ्थैलिन सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स A, B, and C। ऑन पुटिंग 2 to 3 drops ऑफ डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए, अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन बी एंड डिस्टिल्ड वाटर इन सी, ठीक है। तो फिनोफ्थैलिन की प्रॉपर्टी हमें पता है, एसिड और सॉल्ट के साथ ये कलरलेस रहता है और बेस के साथ ये लाइट पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, ठीक है। सो बेस कौन सा है इनमें से? बी हमारे पास बेस है, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो वहाँ पर तो सी इसका आंसर हो जाएगा, नो 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 नो, बी
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा ए जो एसिड है उसके साथ कलरलेस, बी बेस है तो पिंक हो जाएगा, और सी एक सी नॉर्मल है ठीक है न्यूट्रल है तो उसके साथ भी ये कलरलेस ही रहेगा, कोई कलर नहीं देगा। आगे देखिए, अगेन इंडिकेटर से क्वेश्चन, अ स्टूडेंट पुट अ ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर एंड देन ऑन अ रेड लिटमस पेपर। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस है। जो रेड लिटमस पेपर होता है वो क्या कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू ब्लू रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। सो ब्लू तो ब्लू ही रहेगा, रेड है जो वो भी ब्लू बन जाएगा। सो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकेंड वन, देयर इज नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर एंड द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल नॉन मेटल से, व्हेन अ कॉपर प्लेट इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। क्योंकि कॉपर जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कोटिंग एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर। तो इसकी मैंने रिएक्शन लिखवाई थी, मॉइस्ट एयर भी बताई थी कि क्या क्या होता है, ठीक है, O2 होता है, वाटर होता है उसमें। कि जो ग्रीन लेयर है वो किसकी वजह से होती है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और प्लस कॉपर कार्बोनेट की वजह से, ठीक है। सी इसका बेस्ट आंसर है, अ मिक्सचर ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर, नो नो नो, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, हाँ। सो इज द फोर्थ वन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल जनरली एक्सपेक्ट। तो कैलोरीफिक वैल्यू जब पढ़ाई थी इसका न्यूमेरिकल भी था, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पर, डेफिनेशन थी। तो कैलोरीफिक वैल्यू की SI यूनिट क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज फॉर फ्यूल्स एज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो ये पूरा मैंने ऑर्डर लिखवाया था हर एक का, कि किसकी LPG की, LPG CNG का ऑर्डर क्या होता है, बायोगैस की ज़्यादा होगी या कोल की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें जो मैक्सिमम मैंने बताई थी, मैक्सिमम होती है LPG की, ठीक है, LPG की मैक्सिमम होती है। LPG के बाद इससे भी ज़्यादा अगर होती है किसी की तो वो होती है हाइड्रोजन की, लिक्विड हाइड्रोजन जो होती है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम फिर LPG की होती है, एंड देन CNG की, फिर डीजल और पेट्रोल इनकी सिमिलर होती है। सो आंसर हमारा हो जाएगा LPG। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, की एयर की परसेंटेज दे रखी है। एयर की परसेंटेज अगर कहें तो किस तरह से होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन, और 1% में अगर बोला जाता है लोअर क्लासेस की बुक में तो कहते हैं कि 1% में कार्बन डाइऑक्साइड एंड मैनी गैसेस, ठीक है। जो CO2, मीथेन, ये जितनी भी बाकी गैसेस हैं वो कितना देती हैं, 1% देती हैं। और इनमें से स्पेशली अगर CO2 की बात की जाए कि CO2 का कंटेंट कितना है, वो है 0.1%। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 1%, डेट इज ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर है ये जनवरी 2014 का, एसिड और बेस से क्वेश्चन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड बाय स्टूडेंट ए बी सी एंड डी व्हेन दे रब्ड सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार पॉज करके। सॉलिड अगर कोई भी चीज़ होगी और उसे आप लिटमस पेपर पे रखोगे या उससे रब करने की ट्राई करोगे तो लिटमस पेपर पे कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है NCERT का, कि वाई ड्राई HCl गैस डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन लिटमस पेपर, ठीक है। बिकॉज जब तक सॉल्यूशन की फॉर्म में नहीं होगा तो आयन फॉर्म नहीं होंगे, ठीक है। एसिड या बेस है जैसे ही उन्हें वाटर में डाला जाता है वो आयन्स देते हैं, आयन्स की वजह से ही लिटमस पेपर कलर चेंज शो करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि नो चेंज होगा, कोई भी चेंज नहीं होने वाला सॉलिड बेकिंग, तो ना तो रेड लिटमस पे कोई चेंज होगा ना ही ब्लू लिटमस पे कोई चेंज होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्मोमीटर से एक और क्वेश्चन है, अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शोज 5 स्मॉल डिविजन्स बिटवीन द मार्किंग ऑफ 55 डिग्री सेल्सियस एंड 56 डिग्री सेल्सियस, दिस मीन्स डैट द थर्मोमीटर रीड करेक्टली अप टू। तो थर्मोमीटर में बताया था जो वन स्केल होता है वो वन को ही शो करता है, ठीक है, वन स्केल इज इक्वल टू वन स्केल डिवीजन। सो 55 डिग्री में अगर
55 और 56 के बीच में 5 स्मॉल डिविजन दिखाएंगे तो 55.5 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी से ही, व्हेन CO2 इज पास थ्रू क्लियर लाइम वाटर सॉल्यूशन इट टर्न्स मिल्की, द मिल्की अपियरेंस ऑफ लाइम वाटर इज ड्यू टू, कि लाइम वाटर किसकी वजह से होता है। सो जब CO2 को आप पास कराओगे तो ये इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट देगा, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन देखोगे NCERT में, सो ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा, प्रेजेंस ऑफ इनसॉल्यूबल कैल्शियम कार्बोनेट। एक और क्वेश्चन, व्हेन CNG और LPG अंडरगोज कंप्लीट कंबशन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर, कंप्लीट कंबशन में CNG और LPG क्या देते हैं, CO2 प्लस वाटर वेपर, ओके। सो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगेन ये क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू, तो वेरी फर्स्ट इनका आंसर हो जाएगा किलोजूल पर किलोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, गिवन ब्लो आर फ्यू केमिकल प्रोसेसेस दे रखी हैं, आपको बताना है कि इनमें स्लो कम्बशन कौन कौन सी है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन भी कैसी होती है, स्लो प्रोसेस होती है तो स्लो कम्बशन का नाम देंगे इसे, बर्निंग ऑफ कैंडल ये स्लो नहीं होती। नेक्स्ट वन रैपिड होती है, बल्कि रेस्पिरेशन जो है वो एक स्लो कम्बशन होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन जब मैंने बताई थी इंटरनल और एक्सटर्नल, तो वहाँ पे है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो एक स्लो कम्बशन होती है। फोटोसिंथेसिस एक स्पॉन्टेनियस होने वाली कम्बशन है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, ए एंड सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें करेक्ट। पॉलीमर से क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैन मेड फाइबर्स इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। तो ये सारे मैन मेड है, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहा जाता है, रेयन को, ठीक है। रेयन फाइबर जो होता है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है, उसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। एक और क्वेश्चन एसिड और बेस से, वही इंडिकेटर से रिलेटेड, इंडिकेटर से रिलेटेड जितने भी पेपर्स रहे हैं प्रीवियस ईयर के, कम से कम दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं वहाँ से। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल करेक्टर ऑफ सॉल्यूशन, अ स्टूडेंट टैबुलेटेड द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन टैबुलेटेड करेक्टली। सो सबसे पहले ए सॉल्यूशन क्या है, NaCl है, NaCl जो कि सॉल्ट सॉल्यूशन है। सो रेड लिटमस पे ये कोई चेंज नहीं देगा, ब्लू लिटमस को ये भी कुछ नहीं है। चलो देखते हैं लाइम वाटर को देखते हैं, लाइम वाटर कैसा होता है, बेसिक होता है। सो रेड लिटमस को ये बिल्कुल ये ब्लू कर देगा, हाँ ब्लू लिटमस पे कोई चेंज नहीं होगा। और एसिड बेसिक न्यूट्रल ये भी एक तरह से कैसा रहेगा, लेकिन ये न्यूट्रल नहीं होता, ये कैसा होता है, लाइम वाटर बेसिक नेचर का होता है। नेक्स्ट वन विनेगर, विनेगर कह रहा है कि न्यूट्रल है तो ये भी गलत है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा लिटिल बिट बेसिक नेचर का भी होता है, ठीक है, हाँ। तो बिल्कुल वॉशिंग सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। वॉशिंग सोडा और NaCl दोनों ही सॉल्ट हैं, ठीक है, लेकिन जैसे वाटर डालते हैं इसमें तो बेसिक अपीयरेंस देते हैं, बेसिक अपीयरेंस देंगे तो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। सो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ब्लू लिटमस कोई चेंज नहीं है और एसिड बेसिक में से बेसिक कलर का है एक तरह से। ये पेपर है 2015, मई 2015 का। सेल्युलोज इज मेड अप ऑफ, तो सेल्युलोज पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, ये बायो का बिल्कुल भी नहीं है, ये पॉलीमर का क्वेश्चन है, ठीक है। NCERT के बॉक्स में एक दिया हुआ है कि सेल्युलोज किसका बना होता है, ठीक है, अपने नोट्स में भी मैंने डाला है। सेल्युलोज इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का बना हुआ होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्फोरस इज कैप्ड इन वाटर, तो फॉस्फोरस कैसा होता है, एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस को बताया था कि जैसे कि उनके सोडियम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखते थे, फॉस्फोरस को नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, सो इसे वाटर में इसलिए रखा जाता है। लेकिन फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ काफ़ी विग्रसली रिएक्टिव हो जाता है, सो इट इज़ कैप्ड इन वाटर टू प्रिवेंट इट्स कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन। यहाँ देखिए कैलोरीफिक वैल्यू से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल के फॉर्म में आया है और NCERT में एज इट इज़ दिया हुआ है क्वेश्चन। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल हुज 1.5 kg एंड मास कितने प्रोड्यूस करी है दिस, तो जो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो 67500 को डिवाइड कर देंगे हम 1.5 से और आंसर आ जाएगा हमारे पास, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल, सो जो CNG है ये फॉसिल फ्यूल ही होती है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट वन हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी सारे प्लास्टिक्स हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट,
सो अलॉय सबके बताए थे, मरकरी का अलॉय है, अमलगम, स्टील, कार्बन, ठीक है, कार्बन, आयरन एंड कुछ और मेटल्स, कुछ और नॉन मेटल्स भी इसमें होते हैं, ब्रोंज और ब्रांज, ये किसके होते हैं, कॉपर एंड जिंक एंड कॉपर एंड टिन के। सो नॉन मेटल जिसमें एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो है हमारा स्टील, और वो नॉन मेटल कौन सा है, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द एसिड रेन। सो एसिड रेन जिसकी वजह से होती है, दो ऑक्साइड होती हैं वो, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 की वजह से। सो जब वो क्लाउड से पहुंचती हैं, सो वाटर वेपर से कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं, ठीक है। अब दोनों ही ये गैसेस हैं, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक, तो ना तो सल्फ्यूरस का आंसर है ना नाइट्रस है, तो हम बेसिक एसिड किसको बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलेंगे, ठीक है, कि बेसिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक और क्वेश्चन पेपर है 2015 का, द कॉमन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर, ठीक है, ये प्लास्टिक प्रॉपर्टीज़ मैंने इस तरह से लिखवाई थी कुछ। सो प्लास्टिक कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है, लाइट इन वेट होता है और नॉन रिएक्टिव होता है, सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टार्टेरिक एसिड इज फाउंड इन, टार्टेरिक एसिड जो होती है अनराइप मैंगोज जो होते हैं उनमें होती है, और जो आंवला होता है उसमें भी होती है, सो बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, अनराइप मैंगोज एंड आंवला। 2016 का एक ये लास्ट पेपर जो हुआ था भैया, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट ए, द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, एंड स्टेटमेंट बी, द रेंज ऑफ लेबॉरेटरी थर्मोमीटर इज यूजुअली फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। सो इसमें स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। स्टेट बी में जिस सिर्फ माइनस के निशान की मिस्टेक है, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस का जो होता है वो होता है लेबॉरेटरी थर्मोमीटर। सो इसमें क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ए इज़ करेक्ट वाइल स्टेटमेंट बी इज़ फॉल्स, ऑप्शन 4 इज आर आंसर। एक और क्वेश्चन हीट एंड टेम्परेचर से, द एयर नियर अ हीट सोर्स गेट्स हॉट एंड राइजेस, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, दिस इज़ द वे इन विच द एयर गेट्स हीटेड बाय ऑयल हीटर्स, वट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड। सो कंडक्शन जो होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन बोलेंगे, ठीक है। कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, ये कन्वेक्शन कहलाएगी, जिसमें इस तरह से एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से वो मूव होते हैं, उनकी वजह से हीट मिलती है, हीट का ट्रांसफर होता है। फिजिकल और केमिकल चेंज से क्वेश्चन है एक, रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फाउल स्मेल, अ स्लाइस ऑफ एप्पल एक्वायर्स ब्राउन कलर व्हेन कैप्ट आउट फॉर सम टाइम, व्हेन एन एंट बाइट कैलामाइन इज यूज्ड टू ईज द इरिटेशन ऑन स्किन। सो बताना है कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल। फूड जब स्पॉयल हो जाता है तो फाउल स्मेल, ठीक है, तो स्मेल कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये होती है केमिकल चेंज। फिर स्लाइस ऑफ एप्पल वो ब्राउन कलर ले लेता है ड्यू टू द एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है मेलानिन, ठीक है, बताया था मैं मेलानिन की फॉर्म हो जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है। सो ये भी एक केमिकल चेंज है। आंट वाइट हो आंट जब काटती है तो कैलामाइन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं हम, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए अफेक्ट को, तो ये भी केमिकल रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो ऑल आर केमिकल चेंजेस, दीज आर।